अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? आप एआर इलेक्ट्रिक हब की तरफ से खुश आमदीद। आजकल किडनी का मर्ज बहुत आम हो गया है। किडनीज के मरीजों के लिए इंडिया में एक ट्रीटमेंट शुरू किया था जो बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। इस वक्त तकरीबन 18 से 20 शहरों में इंडिया में हिम्स वाले वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और वो ट्रीटमेंट इतना कामयाब है कि ये अब बैन अल-अक़वामी तौर पर इसको सराहा जा रहा है और बैन अल-अक़वामी तौर पर इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। जब हमारे किडनीज खून की सफाई नहीं करते और नकारा हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में यूरिया और क्रिएटिनिन की मिकदार बढ़ जाती है, जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और ये जानलेवा भी साबित होती है। हिम्स वालों ने एक सिस्टम तैयार किया था कि एक वाटर टब के अंदर उन्होंने ऑटोमेटिकली तरीके से पानी का टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड रख के उस मरीज़ को वो मुख्तलिफ टाइम्स के लिए उसको उस टब में बिठाते हैं, और इस दौरान गर्दन तक मरीज़ पानी के अंदर डूबा होता है और पानी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 40 सेंटीग्रेड पे। जितनी देर डॉक्टर रिकमेंड करता है मरीज़ उतनी देर 40 सेंटीग्रेड पे पानी में रहता है। हॉट वाटर थेरेपी के लिए टब का इंतज़ाम कुछ इस तरह का होता है। ऐसे हमने आपके लिए एक टब डिज़ाइन किया है। इस टब को की तफसीलात जानने से पहले हम आपको हिम्स के डॉक्टर्स की कुछ ऐसी वीडियोस आपको दिखाते हैं जो आपको इस प्रोसेस को समझने में मदद देंगी, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरीका इलाज से बहुत सारे मरीज़ हमारे सेहतयाब हों। आइए देखते हैं डॉक्टर्स की वीडियोज़। राजा मुकीम सेवी, हम जयपुर से देख रहे हैं कि किडनी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, किडनी की समस्या हो रही है, लोग डायलिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कोई समाधान है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा किडनी का? लोगों को डर बना हुआ है, मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, मेरा पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है, मेरा सोडियम कम हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ है, क्या समाधान है इनका? डॉक्टर विश्रु चौधरी ने पिछले साल ही बताया था कि ऐसा संभव है कि जिससे किडनी को ठीक किया जा सकता है। आपको बताना चाहूँगा किडनी के बारे में, किडनी के इलाज के बारे में कि क्या होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर विश्रु चौधरी ने पिछले साल हॉट वाटर इमर्शन SWI एक ट्रीटमेंट निकाला जिसमें सिर्फ आपको गर्म पानी के अंदर बैठना है, 40 डिग्री टेम्परेचर पानी के अंदर गर्दन तक पानी रख के गर्म पानी रख करके बैठना है आपको, और उससे आपकी किडनी ठीक हो सकती है। जब हम पानी के अंदर होते हैं और गर्दन तक पानी होता है और पानी का टेम्परेचर तो 40 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या होता है हमारे अंदर? जैसा आपको बताया था कि हम टब के अंदर बैठाते हैं, टब का डायमेंशन है करीब 30x30 हाइट है एंड 5 फीट 5.5 फीट का ये टब है जिसके अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर है। पानी हमारा गर्दन तक होना चाहिए और वो 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर है। इससे अपने को एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 और प्लस हाइड्रोलिक प्रेशर 1 जो होता है, जो पानी के अंदर वाले हिस्से के अंदर होता है, जिससे ब्लड का फ्लो होना इंक्रीज हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। हमारे रिब्स तक जब प्रेशर मिलता है और वहीं मैकेनिकल चेंजेस आने लगते हैं बॉडी के अंदर, जो सिम्टम्स होते हैं, कोई हमारे सोडियम ज़्यादा है वो कम होने लग जाता है, पोटेशियम ज़्यादा कम होता है, क्रिएटिनिन है वो कम होने लग जाता है। यही बदलाव है जो, और इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हम डायलिसिस पे जाते हैं, फिर हमारे को डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पेशेंट होते हैं वो उनको कंफर्टेबल लगने लग जाता है, इससे निकले बाद करीब करीब उनका 1 किलो वज़न कम हो जाता है। बॉडी में से वो पानी कहाँ गया, वज़न कहाँ गया, वो पसीने के माध्यम से आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन से वो निकल गए। तो ये एक साधन है, एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है जिससे पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, किडनी को रिवाइव किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक नई चीज़। इतिहास में जाके देखते हैं तो चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो अपना चाइनीज़ मेडिसिन हो, चाहे फिर वो यूनानी मेडिसिन हो, उनमें एक कॉमन सिस्टम के बारे में बताया गया है, वो है स्वेटिंग। इनको नाम अलग अलग दिया गया है, आयुर्वेद में से स्वेदन कहते हैं, चाइनीज़ मेडिसिन में इसको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर हॉट टब मेथड होता है, यूनानी मेडिसिन के अंदर भी इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाता है
कि अगर कोई पेशेंट किडनी फेलियर का है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिया लेवल बढ़ रहा है, शरीर में गंदगी इकट्ठी हो रही है, तो हम अल्टरनेट पाथवे यूज़ करते हुए शरीर में इकट्ठी होने वाली गंदगी को पसीने के रास्ते निकाल सकते हैं। अब इस पसीने निकालने का मतलब ये नहीं होता कि किडनी फेलियर का पेशेंट दौड़ लगाना शुरू कर दे कि वो जितनी एक्सरसाइज करेगा उतना पसीना बनेगा, क्योंकि अगर किडनी फेलियर का पेशेंट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है तो उसकी मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए यहाँ पर पेशेंट आराम से बैठे और वह स्वेटिंग के रास्ते क्रिएटिनिन और यूरिया और बाकी सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता रहे। इसके दो तरीके होते हैं, या तो पेशेंट हॉट वाटर का यूज़ करे कि एक टब लिया, जो हमारे बाथरूम्स में बड़े टब्स होते हैं नहाने वाले, उसके अंदर गर्म पानी भरे। गर्म पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, या तो वो डेली उसमें आधा एक घंटा डेली पास ले। किडनी के इलाज के इस फ़ायदेमंद तरीके को मद्देनज़र रखते हुए एयर इलेक्ट्रिक ने आपके लिए एक टब तैयार किया है मुकम्मल। ये ऑटोमेटिक है, ये देखें इसके ऊपर टम्परेचर है, आपको इसके ऊपर रियल टम्परेचर जो होगा वो भी नज़र आता जाएगा पानी का, और सेट टम्परेचर आप जितना कर दोगे ये 40-41 के करीब होगा और ये भी आपको नज़र आता रहेगा। और आप इसमें ऐसे पानी भर के इसको यूज़ करेंगे और इसका ये फ़ायदा होगा कि ये मुकम्मल टेम्परेचर को एक जगह पे कंट्रोल रखेगा और 40-41 सेंटीग्रेड के दरमियान ये इसको वेरी करता रहेगा। ये देखें इसकी मेन की जो इंडिकेशन है, इस पर जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे जो इंडिकेशन आ जाएगी, और ये जो प्रिपरेशन का बटन है तो तब हम इसको ऑन कर देंगे। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो प्रिपरेशन की जो रेड लाइट है ये जल जाएगी, और रेड लाइट जलने के बाद ये पानी को गर्म करना शुरू कर देगी। जैसे ही ये रेडी फॉर थेरेपी होगा, पानी 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, तो ये थेरेपी इसकी वाली लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। जैसे ही थेरेपी वाली येलो लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब है कि टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड मेंटेन कर गया। हम मरीज़ को इसके अंदर बिठाएंगे और बिठाने के बाद ये जो ऊपर टाइमर लगा हुआ है डेंजर के साथ वाला, इस पर हम इसके टाइम सेट करेंगे जितना डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया। टाइम सेट करने के बाद हम स्टार्ट थेरेपी का सिलेक्टेड स्विच ऑन कर देंगे। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही थेरेपी स्टार्ट होगी तो टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। हमने जितना टाइम इसका रखा है उतनी देर बाद इसका अलार्म आना शुरू हो जाएगा और ये बज़र की एक आवाज़ के साथ आपको आगाह कर देगा कि आपकी थेरेपी का टाइम ख़त्म हो गया है। ये हॉट वाटर इमर्जन सिस्टम आपके ऑर्डर के मुताबिक घरेलू गैस, गैस सिलेंडर और इलेक्ट्रिक पर तैयार किया जाता है। ये सिस्टम इंतहाई पायदार है और इसकी मुकम्मल 2 साल की मुकम्मल गारंटी है। इस सिस्टम की बदौलत आप भारी भरकम खर्चे वाले और इंतहाई तकलीफ दे डायलिसिस सिस्टम को हमेशा के लिए खैराबाद कहकर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करके आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अपने नाम के साथ अपना एड्रेस और आपका रिक्वायरमेंट कि आपने ये घरेलू गैस पर बनवाना है, सिलेंडर पर या बिजली पर, यह आप हमें तफसील आपके अपनी मुहैया करें। हम इंशाल्लाह आपको उसकी प्राइस, आपकी डिलीवरी की डेट और ये आपको इंशाल्लाह तफसील से आगाह कर देंगे। आप अपने मैसेज के लिए इस नंबर पर रابطہ करें। इंशाल्लाह आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका टब डिलीवर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।